कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में खुशी की लहर है। जगह जगह कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। आज अलीगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र रतौली में भी डीएम के आदेश के बाद पहले चरण में करीब 25 स्वास्थ्य वर्करों के साथ कोवैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा ड्राई रन को पूरा करने के लिए स्पेशल 3 रूम को स्पेशल वार्ड में तब्दील किया गया। तीनों वार्डों में स्वास्थ्य सेवाएं लैस थी। वहीं पूरे ड्राई रन को जिलाधिकारी पंकज कुमार की देखरेख में किया गया। पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, कोवैक्सीन ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार रहा। ड्राई रन का सबसे पहले 25 लोगों पर रिहर्सल किया गया। साथ ही ड्राई रन के दौरान 3 स्पेशल वार्ड से वैक्सीन लगने वाले व्यक्तियों को गुजरना पड़ेगा। साथ ही वैक्सीन लगने वाले व्यक्तियों के लिए आपात स्थिति के लिए निपटने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए आप लोग सर्वेदित हैं कि आज ड्राई रन जो है एक तरह से वैक्सीन का लगाने का एक ट्रायल जो है वो किया गया। इसमें बेसिकली 3 रूम में ये व्यवस्था की गई। पहला एक रूम वेटिंग रूम था जिसमें कि जो 25 लोग चिन्हित किए गए थे उनको बारी बारी से बुलाया गया, और उसके बाद में दूसरा रूम जो था वैक्सीनेशन रूम, जहाँ पर वैक्सीनेशन डमी रूप से वैक्सीन लगाई गई। ये जरूर समझना चाहता है कि ये एक डमी एक्सरसाइज थी, इसमें कोई ओरिजिनल वैक्सीन नहीं लगाई गई। इसे केवल एक प्रयोग के तरह से एक डेमो दिया गया, और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया। वहाँ पर वो 30 मिनट तक वेट करते रहे। कुल मिलाकर इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम जो आगे आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको लेकर प्रॉपर वे में अलर्ट रहें और प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया। सर, इंजेक्शन लगने के बाद में अगर यहाँ पे किसी की हालत बिगड़ती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? पहले नंबर पे तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो यहीं पे डॉक्टर साहब देंगे, और यहाँ पर उनकी डॉक्टर्स की टीम तैनात की। अगर इन केस अगर उन्हें ऐसा लगता है तो यहाँ से फर्स्ट रेफरल जो यूनिट बनाई गई है वो मलखान सिंह हॉस्पिटल जो है उसे बनाया गया है, वहाँ पर इन्हें। कितने लोगों का ट्रायल है सर? आज 25 लोगों का ट्रायल किया गया।